क्या आप इंटरनेट और WWW के बारे में जानते हैं? क्या आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है और वेब डिजाइनिंग इन दोनों से क्या रिलेट करता है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हे गाइस, दिस इज अनुराग और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेट और WWW क्या होता है और ये दोनों वेब डिजाइनिंग से कैसे रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेब डिजाइनिंग होता क्या है। किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने की स्किल को ही वेब डिजाइनिंग कहते हैं। आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको उसमें ये सारी चीजें ध्यान देने रहेंगे, जैसे कि टेक्स्ट का कलर, उस पेज में क्या चीज कहाँ पे अलाइन होनी चाहिए, वेबसाइट कैसी चलनी चाहिए, हमारे यूजर को वो वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, ये सारी चीजें जिससे हम लोग अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं, यही हमारा वेब डिजाइनिंग होता है। अब हमने वेबसाइट अपनी बना ली, हमने वेब डिजाइनिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लिया। हमारी वेबसाइट क्रिएट होने के बाद हम उसे सर्वर पे अपलोड करेंगे, देन उसके बाद हमारी वेबसाइट किसी ब्राउजर पे डिस्प्ले होगी। और कैसे? जब हमारी वेबसाइट किसी ब्राउजर पे डिस्प्ले हो रही है तो वहां पे हमारा एक वर्क कर रहा है WWW, और उस ब्राउजर पे कैसे आई तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट काम कर रहा है। अब सवाल ये आ गया कि इंटरनेट और WWW क्या है। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है, दुनिया के सारे नेटवर्क्स को मिला के हमारा एक इंटरनेट बनता है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो कि दुनिया के हर एक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। इंटरनेट के थ्रू आप अपनी फाइल्स किसी को भी सेंड कर सकते हैं और किसी से भी रिसीव कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है। तो चलिए जान लेते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले 1969 में US गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू हमारा ARPANET बनाया गया था, जिसका यूज US डिफेंस को नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए होता था। देन आगे चल के 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ USA ने डेवलपमेंट किया NFSNet का, जो कि हमारा सुपर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए था। फिर धीरे धीरे करके इंटरनेट का यूज बढ़ता गया। आगे जाके 1990 में ARPANET, NFSNet और अदर प्राइवेट नेटवर्क्स के थ्रू हमारा इंटरनेट बनाया गया, जो कि पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम पे फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि WWW क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि WWW कब बनाया गया था और इसके क्रिएटर कौन है। तो WWW हमारा 1989 में बनाया गया था और इसके क्रिएटर टिम बर्नर्स-ली हैं। WWW, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हैं, हमारी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं सभी के कलेक्शन को ही WWW कहते हैं। आप कलेक्शन कैसे हैं? तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए आप अमेरिका की किसी वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं और ब्राउज करते करते उस वेबसाइट में आपको एक लिंक मिली जो कि इंडिया की वेबसाइट की है। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच जाएंगे? इंडिया की किसी वेबसाइट पे। अब उस वेबसाइट पे अगर आपको कोई लिंक मिली जो कि UK की हो, तब अगर आपने उस पर क्लिक किया तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? देन UK की उस वेबसाइट पे। सो इस तरह से आप WWW की हेल्प से ही वेबसाइट्स पे जंप कर रहे हैं। सो इसी तरह से हमारा WWW पूरे दुनिया की वेबसाइट्स को आपस में कनेक्ट कराता है। अब WWW आया, अब वेबसाइट्स तो आ गई, बट उन वेबसाइट्स को ब्राउज करने के लिए भी तो कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना। तो इसीलिए 1989 में ही सबसे पहला वेब ब्राउजर लाइनक्स बनाया गया था, जिसका यूज सिर्फ टेक्स्ट को देखने के लिए होता था। देन 1992 में हमारा मोज़ेक आया, जिसमें हम लोग ग्राफिक्स, वीडियो, म्यूजिक, टेक्स्ट जैसी चीजों को ब्राउज कर सकते थे। देन मोज़ेक का यूज करते करते 1994 में हमारा नेटस्केप नेविगेटर आया और 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, जिसका यूज आज भी हम लोग करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि WWW क्या होता है और इंटरनेट से वो किस तरह से डिफरेंस है। इंटरनेट हमारा नेटवर्क होता है जो दुनिया की हर एक नेटवर्क को कनेक्ट करता है, और WWW हमारी दुनिया की हर एक वेबसाइट्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरनेट और WWW में क्या डिफरेंस है और ये दोनों हमारी वेब डिजाइन से कैसे रिलेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS & IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।